एक चीज समझिए, आपके पास 10 प्लॉट है, आप कागज अभी आप 8 प्लॉट का जमा कर पाए, आपके पास 2 प्लॉट का कागज अवेलेबल नहीं हो पाया, पता भी नहीं चल रहा है कि जमीन आपके पास कैसे आया, आपके पूर्वज आपको बता करके नहीं गए। किसी के पास 8 खाता में जमीन होगा, 10 खाता में होगा, क्योंकि केवाला लिए होंगे तो अलग अलग खाता का जमीन हो जाएगा फिर, तो इतना यहाँ पर स्पेस नहीं है कि आप 200 खाता का मेंशन कर पाइएगा। एक दो बनवा रहे थे, अभी नियम कुछ चेंज हो गया, उसमें पंचायत सचिव को भी ऐड कर दिया गया उस प्रोसेस में। लेकिन ये ध्यान रखिए, हर एक रैयत को खुद से ही वंशावली बना करके देना है। वंशावली का जरूरत किनको आएगा? आपके परवावा के नाम से जमीन आपका रसीद है, केवाला है, खतियान आपका है, और परवावा चले गए ऊपर, कागज उनके पास 2 प्लॉट होगा, 3 प्लॉट होगा, उनका एक पेज में ही भरा जाएगा। जिनके पास 15 प्लॉट होगा, 20 होगा, 50 होगा, के उत्तर पश्चिम कोना से स्टार्ट करेंगे भंडार को, और हर एक प्लॉट पर जा करके वो सबसे पूछेंगे ये प्लॉट किनके दखल कब्जा में है, उनका नाम लिखेंगे, उनके पिता का नाम लिखेंगे, उनकी जाति, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। हो सकता है उसमें से कुछ लोग आपत्ति भी करवाएंगे कि सर इस प्लॉट का रसीद मेरे नाम से कट रहा है, इसका दस्तावेज मेरे नाम से है, इसका खतियान मेरे नाम से है, लेकिन दखल मेरा नहीं है। तो हम लोग उस आदमी का, उस व्यक्ति का हम लोग आपत्ति भी नोट करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग हर एक प्लॉट का हम लोग दखल पंजीयक बना लेंगे, एक रजिस्टर बन जाएगा हम लोगों के पास, जिसमें हर एक प्लॉट का हम लोग का दखलकर्ता का नाम हम लोग को मालूम रहेगा। साथ में उसके साथ साथ एक प्रक्रिया और चलेगा कागज का, पर पत्र 2 और 3 एक आप लोगों से हम लोग घोषणा भरवा करके लेंगे। ये फॉर्मेट इसका है, प्रपत्र 2 और इसके पीछे में आपका प्रपत्र 3 एक वंशावली। एक चीज समझ लीजिए, हर एक रैयत को अपना वंशावली खुद ही बना करके देना है। कैसे बनाएंगे उसका प्रोसेस हम समझा देते। सबसे पहले प्रपत्र 2 को समझिए, इसमें टोटल 11 कॉलम है। ऊपर हेडिंग देख लीजिए आपका, राजस्व ग्राम का नाम, उसके बाद थाना नंबर, हल्का नंबर, हो सकता बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हल्का नंबर खाली छोड़िएगा, पुलिस थाना, अंचल और जिला। उसके बाद कॉलम नंबर 1 आपका है रैयत का नाम या सह हिस्सेदार का नाम। अगर एक लोग फॉर्म भर रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम, जाति, पहला कॉलम में। अगर मानकर चलिए एक पिता के 3 लड़के हैं, उन लोगों के बीच बंटवारा नहीं हुआ है, वो तीनों भाई चाह रहे हैं कि उनका आपस में साथ में खतियान बन जाए, तो वो जो फॉर्म भरेंगे तीनों, उसमें तीनों भाई का नाम मेंशन होगा, पिता का नाम होगा। ऐसा भी आपका होगा कि 5 पार्टनर हैं, बंटवारा नहीं हुआ, मौखिक बंटवारा है, और चाह रहे हैं कि नहीं साथ में ही खतियान बने, तो 5 लोग इसमें अपना नाम डालेंगे। एक लोग का हम उदाहरण दे देते, मान के चलिए श्याम सिंह अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो रैयत के नाम में श्याम सिंह, पिता का नाम अपना नोट करेंगे, वो अपनी जाति नोट करेंगे, भूमिहार हो गए, यादव हो गए, जो भी आप पांडे, जो भी जाति अपना नोट करिएगा। कॉलम नंबर 2 आपका स्थायी पता का है, अपना ग्राम, पोस्ट, थाना प्लस जिला। उसके बाद आपका आता है खाता, खेसरा, रकवा, चौहद्दी, कॉलम नंबर 3 से लेकर 6 तक। मानकर चलिए आपके पास 10 प्लॉट है, एक प्लॉट का उदाहरण हम देते हैं, खाता नंबर 40, खसरा नंबर 1150 में 10 डिसमिल आपका जमीन है, तो खाता में 40 भरिएगा, खसरा में आपका 1150 आ जाएगा, और रकवा में आपका 10 डिसमिल होगा। बहुत कम ही ऐसा प्लॉट है जिसका रकवा आपका एकड़ में जाएगा। अभी चूंकि सर्वे हुए आपका 115 साल से ज्यादा हो गया, नक्शा आपका हो सकता है 10 एकड़ का भी एक प्लॉट होगा, लेकिन स्थल पर हो सकता है उसमें 50 प्लॉट नया बन गया होगा, तो जोत आपका भी बढ़ गया है, जो भी प्लॉट आपका है सब डिसमिल में ही मिलेगा। फिर आपका आता है चौहद्दी, हर एक प्लॉट का आपको चौहद्दी लिखना है। इसमें चौहद्दी जो आप लिखिएगा वर्तमान दखलकार का, ये नहीं कि दादा के नाम से लिख दिए, दादा कभी गुजर गए 50 साल पहले, जो अभी जो लोग जमीन जोत रहे होंगे उसका चौहद्दी में नाम मेंशन करना है। अपना जमीन है उसका आपका 4 चौहद्दी होगा चारों तरफ से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में श्याम सिंह, दक्षिण में राधा देवी, पूर्व में पैन, पश्चिम में सड़क। ऐसे करके आपको हर एक प्लॉट का चौहद्दी मेंशन करना है। चौहद्दी जो लिखिएगा जान लीजिए जीवित आदमी का नाम लिखिएगा। फिर आपका किस्म जमीन, जमीन आपका किस तरीके का है, हो सकता है उसमें आप घर बना कर रह रहे हैं, या हो सकता है उसमें 2 फसल होगा तो उसमें आपको धन हर भर देना है। एक फसल अगर साल भर में होगा तो आपको उसको भीट भरना है, अगर 10 साल से पड़ती होगा तो वहां पड़ती भरा जाएगा आपका। फिर है शेष को छोड़ करके लगाना, अभी आपका जो रसीद कट रहा है वो सब लोगों के पास डिजिटल रसीद होगा, कंप्यूटर का रसीद। अभी से 5 साल 7 साल पहले हाथ वाला रसीद कटता था, तो कंप्यूटर से जो रसीद कट रहा है उसमें देखिएगा शेष को छोड़कर लगान लिखा हुआ है, वो भरना है तो भरिए, नहीं तो अगर नहीं मालूम है तो उसको खाली छोड़ दीजिएगा।
फिर आपका जमाबंदी संख्या, हर एक लोगों के पास रसीद कट रहा होगा, कुछ ही लोग ऐसा होंगे जिनके पास रसीद नहीं होगा। ये समस्या तब आएगा जब आपका दस्तावेज का जमीन रहेगा। खतियानी जमीन जिनके ही पास होगा उनका रसीद किसी न किसी के नाम से होगा, हो सकता है आपके नाम से हो, या आपके पिताजी के नाम से हो, दादाजी के नाम से हो, परबाबा के नाम से हो, दादी के नाम से हो, रसीद आपके नाम से मिल जाएगा। तो उसका जमाबंदी संख्या आपको नोट कर देना है। फिर आपका कॉलम नंबर 10 है, भूमि पर दावा का अधिकार। जो भी आप खाता खेसा इसमें भर रहे हैं, वो जमीन आपको कैसे हासिल हुआ, हो सकता है वो जमीन आपका खतियानी जमीन होगा। मतलब क्या कि 1905 में जब आपका सर्वे हुआ, आपके किसी वंशज के नाम से खतियान बना था, वही जमीन आपके वंश में नीचे आते जा रहा है। दूसरा जमीन आपका होगा, आप खरीदे, आपके पिताजी खरीदे, आपके दादाजी, आपके कोई भी पूर्वज खरीदे किसी से, वो आपका दस्तावेज का जमीन हो गया। उस प्रकार के जमीन में आपको क्रय लिख देना है। फिर आपका है बंदोबस्त। कुछ लोग को रहने के लिए जिनके पास जमीन नहीं रहता, सरकार 3 डिसमिल जमीन उनको बंदोबस्त करता है, बासगीत पर्चा, या फिर जो सैनिक के विधवा रहते हैं सरकार उनको जमीन देती है 5 एकड़। तो जिनके पास ऐसा, या फिर कुछ लोग पास होगा जो नीलामी से जमीन लिए होंगे। पुराना जमाना में आदमी खाने के लिए अनाज नहीं जुटता था, आदमी रसीद कैसे कटवाता, तो जमींदार या सरकार उसका अंग्रेज जमीन को नीलाम कर देता था। तो कुछ लोगों को जमीन वैसे भी हासिल हुआ होगा, या फिर कुछ गर्मजरों जमीन जो आपका होगा, आप लोग मालिक से आप लोग बंदोबस्त करवाए होंगे, या फिर बिहार सरकार से। तो जिस प्रकार का जमीन रहेगा आपको उस अनुसार से लिख देना है। खतियानी होगा खतियानी लिखिएगा, अगर दस्तावेज का जमीन होगा क्रय लिखिएगा उस खेसरा के सामने में, अगर बंदोबस्ती पर्चा से होगा तो बंदोबस्त लिखिएगा, दान पत्र से मिला होगा तो दान पत्र लिख देना। फिर आपका 11 नंबर कॉलम है अभियुक्ति। अगर आपको और कुछ जानकारी देना हो, तो कुछ लोगों के जमीन पर कोर्ट केस चल रहा होगा, तो उस खेसरा के सामने में कोर्ट केस का जो नंबर आपका होगा मेंशन कर दीजिएगा। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि सर मेरा केवाला 10 डिसमिल का है, अब हम खेती करने के लिए जा रहे हैं, तो जमीन आपका 7 ही डिसमिल बता रहा है, तो तब उस खेसरा के सामने में आप अभियुक्ति कॉलम में लिख दीजिए कि रकबा कम गया स्थल पर। मौजा के उत्तर पश्चिम कोना से स्टार्ट करेंगे भंडार को, और हर एक प्लॉट पर जा करके वो सबसे पूछेंगे ये प्लॉट किनके दखल कब्जा में है, उनका नाम लिखेंगे, उनके पिता का नाम लिखेंगे, उनकी जाति, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। हो सकता है उसमें से कुछ लोग आपत्ति भी करवाएंगे कि सर इस प्लॉट का रसीद मेरे नाम से कट रहा है, इसका दस्तावेज मेरे नाम से है, इसका खतियान मेरे नाम से है, लेकिन दखल मेरा नहीं है। तो हम लोग उस आदमी का, उस व्यक्ति का हम लोग आपत्ति भी नोट करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग हर एक प्लॉट का हम लोग दखल पंजीयक बना लेंगे, एक रजिस्टर बन जाएगा हम लोगों के पास, जिसमें हर एक प्लॉट का हम लोग का दखलकर्ता का नाम हम लोग को मालूम रहेगा। साथ में उसके साथ साथ एक प्रक्रिया और चलेगा कागज का, प्रपत्र 2 और 3 एक आप लोगों से हम लोग घोषणा भरवा करके लेंगे। ये फॉर्मेट इसका है, प्रपत्र 2 और इसके पीछे में आपका प्रपत्र 3 एक वंशावली। एक चीज समझ लीजिए, हर एक रैयत को अपना वंशावली खुद ही बना करके देना है। कैसे बनाएंगे उसका प्रोसेस हम समझा देते हैं। सबसे पहले प्रपत्र 2 को समझिए, इसमें टोटल 11 कॉलम है। ऊपर हेडिंग देख लीजिए आपका राजस्व ग्राम का नाम, उसके बाद थाना नंबर, हल्का नंबर हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हल्का नंबर खाली छोड़िएगा, पुलिस थाना अंचल और जिला। उसके बाद कॉलम नंबर 1 आपका है रैयत का नाम या सह हिस्सेदार का नाम। अगर एक लोग फॉर्म भर रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम, जाति पहला कॉलम में। अगर मानकर चलिए एक पिता के 3 लड़के हैं, उन लोगों के बीच बंटवारा नहीं हुआ है, वो तीनों भाई चाह रहे हैं कि उनका आपस में साथ में खतियान बन जाए, तो वो जो फॉर्म भरेंगे तीनों, उसमें तीनों भाई का नाम मेंशन होगा, पिता का नाम होगा। ऐसा भी आपका होगा कि 5 पार्टनर हैं, बंटवारा नहीं हुआ, मौखिक बंटवारा है, और चाह रहे हैं कि नहीं साथ में ही खतियान बने, तो 5 लोग इसमें अपना नाम डालेंगे। एक लोग का हम उदाहरण दे देते, मान के चलिए श्याम सिंह अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो रैयत के नाम में श्याम सिंह, पिता का नाम अपना नोट करेंगे, वो अपनी जाति नोट करेंगे, भूमिहार हो गए। प्रपत्र 2 आप समझ लिए, इसके नीचे में देखिए रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर। तो जो लोग साइन करिएगा, जिनके नाम से फॉर्म भरागा उन्हीं को साइन करना है, अगर वो साइन नहीं कर पाते अपना अंगूठा लगाएंगे। फिर मोबाइल नंबर और आधार नंबर, जिनके नाम से फॉर्म भरना उनका आधार नंबर दीजिएगा। कोशिश करिए 2 मोबाइल नंबर दे, अगर एक मोबाइल में आपका रिचार्ज खत्म भी हो जाएगा, ऑफ बताएगा, तो दूसरे मोबाइल नंबर आपका कॉल जाएगा। प्रपत्र 2 आप समझ लिए। फिर आपका है प्रपत्र 3 एक वंशावली। अभी बताया कि
वंशावली दो तरीके से बनता है। इससे पहले आप लोग सरपंच से बनवा रहे थे, अभी नियम कुछ चेंज हो गया, उसमें पंचायत सचिव को भी ऐड कर दिया गया उस प्रोसेस में। लेकिन ये ध्यान रखिए, हर एक रैयत को खुद से ही वंशावली बना करके देना है। अब वंशावली का जरूरत किनको आएगा? आपके परवावा के नाम से जमीन आपका रसीद है, केवाला है, खतियान आपका है, और परवावा चले गए ऊपर, कागज उन्हीं के नाम से है। उस कंडीशन में आपको परवावा का नाम लिखिएगा और उनसे नीचे आपको बनाते जाना, जहां पर पहला जीवित आदमी मिल गए वहां पर वंशावली इंड हो जाएगा। मानकर चलिए मेरे परवावा के नाम से जमीन था, मेरे पिताजी अभी जिंदा है, दादाजी भी चले गए, तो वंशावली जो बनाएंगे परवावा का लड़का अगर तीन गो है, तीनों का नाम मेंशन करेंगे, उन तीनों से फिर कितने लोग हुए सबका नाम मेंशन करेंगे, पिताजी पर आकर के रुक जाएंगे, फिर मेरा नाम वंशावली में नहीं आएगा। अगर दादाजी जिंदा है तो दादाजी पर ही स्टॉप हो जाएगा वंशावली, मतलब पहला जहां जीवित मिल गए वहां पर आकर के खत्म हो जाना। इसमें भी कुछ चीज आपको भरना है, अंचल आपका हो गया। अब देखिए इसमें कॉलम तीन को दिया हुआ है, जहां पर पांच लोग मिल करके जहां फॉर्म भरेंगे वहां पर उनको समस्या आएगी, फिर लोग छोटा छोटा लिख करके पांचों लोग का नाम इसी में लिखना है आपको, क्योंकि जो फॉर्मेट है उसी में भरना। तीन लोग तक के लिए सफिशियंट फॉर्म वंशावली वाला। उसके बाद फिर आपका देखिए इसमें कॉलम है निवासी, ग्राम, पुलिस थाना, अंचल, जिला, जाति। फिर आपका देखिए लिखा प्रपत्र दो में अंकित है स्वर्गीय। अभी 90% लोगों के पास जो रसीद आपका कट रहा होगा जवानी, वो उनके नाम से कायम है जो पृथ्वी पर अब है नहीं, तो स्वर्गीय में उनका नाम आएगा, उनके पिता का नाम। फिर आपका है राजस्व ग्राम, और फिर आपका आ गया ग्राम, तो जिनके नाम से रसीद कट रहा है उनका पता फिर पूछा जा रहा था, जो आपका पता है वही आपके दादा का भी पता होगा, तो पता आपका सेम हो जाएगा। फिर आपका है जवानी क्रमांक संख्या, तो जिनके पास एगो दो जवानी होगा भर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका है अंकित खाता संख्या। एक चीज समझिए, हो सकता है किसी के पास 8 खाता में जमीन होगा, 10 खाता में होगा, क्योंकि केवाला लिए होंगे तो अलग अलग खाता का जमीन हो जाएगा, फिर तो इतना यहाँ पर स्पेस नहीं है आप 10 खाता का मेंशन कर पाइएगा, तो एक दो खाता लिख के वगैरह कर दीजिएगा। फिर आपका खेसरा संख्या, अगर आपके पास दो प्लॉट है तो आप आसानी से भर दीजिएगा दो खेसरा, जिसके पास 30 को प्लॉट होगा तो उसको एक दो प्लॉट को लिख करके वगैरह कर देना। फिर आपका आया रकवा, रकवा में टोटल जमीन जितना होगा सबको जोड़ करके लिखना है, कट्ठा बीघा में नहीं भरना है फॉर्म, डिसमिल में भराएगा आपका, जो भी आप रकवा मेंशन करिएगा वो आपको डिसमिल में करना है या फिर एकड़ में करना है। फिर आपका है याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर, जो लोग फॉर्म भरेंगे उनका साइन होगा, तीन लोग फॉर्म भर रहे हैं तीनों का ज्वाइंट, तीनों का साइन होगा, पांच लोग भर रहे हैं पांचों का साइन होगा। इसी के पीछे में आपको वंशावली बनाना है। अभी सब बताएंगे, अभी आप जा रहे हैं कहीं जल्दबाजी है, सुनिए, इसी के पीछे में आपका वंशावली बनेगा। जैसे बोले अभी परवावा के नाम से जमीन है तो उनका वंशावली, या फिर आपके दादाजी के नाम से जमीन है। कुछ केस में ऐसा होगा जिनका जिनके पास कागज अप टू डेट है, मान के चलिए मेरे नाम से सब जमीन है, हम जोधपुर रहे हैं 20 साल से, सारा कागज मेरे ही नाम पर है, तो हमको वंशावली पीछे में बना करके देने का जरूरत नहीं है। वंशावली उनको देना जरूरी है जो कागज है लेकिन वो जिंदा नहीं है। इसी के पीछे फिर आपका एक चीज और है, देखिए वंशावली में दो पेज, इसमें भी सेम आपका वही है जो प्रपत्र दो में आप भरे, रैयत का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, खाता, खेसरा, रकवा। अभी प्रपत्र दो में हम बोले कि हर एक प्लॉट का चौहद्दी लिखना है, इसमें भी आपका चौहद्दी है लेकिन उसको आप खाली छोड़ दीजिएगा, इसमें चौहद्दी नहीं करना, नहीं भरना। फिर आपका जवानी संख्या भरिएगा, साइन करिएगा। अब समझिए, जिनके पास दो गो प्लॉट होगा, तीन गो प्लॉट होगा, उनका एक पेज में ही भरा जाएगा, और जिनके पास 15 प्लॉट होगा, 20 गो होगा, 50 गो होगा, उनको ऐसा ऐसा एक पेज में आपका मुश्किल से 4 प्लॉट ही आ पाएगा, अगर आप साफ सुथरा भरिए तो 4 प्लॉट आएगा। किसी के पास 20 गो प्लॉट है तो ऐसा ऐसा उनको 5 गो पन्ना का जरूरत पड़ेगा प्रपत्र दो का। ये आपका हो सकता है एक ही गो में हो जाएगा वंशावली वाला आपका, ठीक है, ये आपको पन्ना ज्यादा जरूरत होगा, जिस अनुसार से आपका रहेगा, 20 प्लॉट है, 50 प्लॉट है, तो उसके अनुसार से 10-15 पेज भी आपको लग सकता है। कोशिश ये करना है कि साफ सुथरा भरिए, नहीं समझ में आता तो आपके मौजा के जो अमीन साहब है उनसे पूछिए, या फिर हम लोग का जो ऑफिस है पंचायत सरकार भवन हरपुर, अभी हम लोग गांव घूम करके ग्राम सभा कर रहे हैं, 25 तारीख के बाद से हम लोग 10 से 4 वहां आपको मिल जाएंगे। किस लोकेशन पे सर? पंचायत सरकार भवन हरपुर में हम लोग का ऑफिस बना, वहीं आप लोग आकर के मिलना, या फिर आप अपने अमीन साहब से आप बात कर सकते हैं। लाका टोला के बगल में हम लोग का ऑफिस। अब एक चीज समझ लीजिए, आपके अमीन साहब हर एक प्लॉट पर आए, दखल नोट कर लिए, आप लोग साथ में इस फॉर्म को भरिएगा। और एक चीज और बताए,
जो आप खाता खेसरा भरी है उसके साथ आपको उस कागज भी आपको लगा कर देना होगा। जैसे आपके पास रसीद अवेलेबल होगा, दस्तावेज आपके पास होगा उसका फोटोकॉपी, खतियान होगा उसका फोटोकॉपी, वो सब लगा करके और तब आपको वहां जमा कर देना। जिनके नाम से फॉर्म भरी है उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी इसमें लगाइए। मोबाइल नंबर कोशिश करिए दो को डाल देने का। आप समझिए, आपके मौजा में अमीन साहब आए, हर एक प्लॉट का दखल नोट कर लिए, साथ में आप ये कागज जमा कर दिए। अब उस दखल को आपके द्वारा जो कागज दिया गया उसका मिलान होगा कि आप जो जमीन जोत रहे हैं उसी का कागज दिए कि नहीं दिए। अगर सब चीज दे दिए तो रहती जमीन का ऑर्डर हम करेंगे, ऑर्डर करेंगे आपका खतियान बनेगा। गर्मजरुआ जमीन जो आपका रहेगा उसका ऑर्डर आपके सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी आपको रेशम कुमार सर करेंगे। एक चीज समझिए, आपके पास 10 प्लॉट है, आप कागज अभी आप 8 प्लॉट का आप जमा कर पाए, आपके पास 2 प्लॉट का कागज अवेलेबल नहीं हो पाया, पता भी नहीं चल रहा कि जमीन आपके पास कैसे आया, आपके पूर्वज आपको बता करके नहीं गए, तो जितना कागज अभी अवेलेबल है कोशिश करना सबको जमा कर देना। अब पहला जो कागज आपको हम देंगे परपत्र साथ देंगे, खानापुरी पर्चा, और उसके साथ देंगे आपको हर एक प्लॉट का नक्शा। अगर आपके पास 10 प्लॉट है तो 10 प्लॉट का नक्शा मिलेगा और साथ में आपको परपत्र साथ मिलेगा, खानापुरी पर्चा। नक्शा जो देंगे उसको हम लोग बोलेंगे LPM, लैंड पार्सल मैप। उसमें आपको हर एक प्लॉट का नक्शा रहेगा, उसकी चौहद्दी मेंशन रहेगी। खानापुरी पर्चा जो देंगे आपको परपत्र साथ, उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी जाति, आपका पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, साथ में जो अमीन साहब हर एक खेत पर जाकर के जो नया नंबर नोट करेंगे वो आपका हो गया नया खेसरा, तो उसमें नया खेसरा रहेगा, उस नया खेसरा का पुराना खेसरा क्या था, पुराना खेसरा रहेगा, साथ में उसका रकवा रहेगा और चौहद्दी रहेगी। उसमें हो सकता है कुछ आपको त्रुटि समझ में आएगा, जो कागज देंगे आपको उसमें कुछ सामान्य तरह का त्रुटि मिलेगा, जैसे आपको हो सकता है आपके नाम में गलत हो जाए, आपका पिता के नाम में गलत हो जाए, कुछ जाति में हो सकता है भूमिहार है आपका यादव हो गया, यादव है तो आपका पांडे जी उसमें आपका दिखा गया दिख जाएगा, या हो सकता है आपका चौहद्दी गलत होगा, मोबाइल नंबर या आधार नंबर, ये सब सामान्य त्रुटि है, ये आपका आसानी से सुधर जाएगा। आपको समस्या कब आएगी, जो आपका 7 प्लॉट है आपको हम जो है 5 प्लॉट का कागज दिए, 10 प्लॉट है आपको 8 प्लॉट का ही कागज दिए, 2 प्लॉट का कागज आपको हम नहीं दिए परपत्र साथ, तब आप हमसे क्वेश्चन करिए सर मेरा 2 प्लॉट क्या हुआ, उस 2 प्लॉट का क्या हो सकता है वो हम बताते हैं। या तो जिस खाता का जमीन रहेगा अगर उसके वंशज जिंदा रहेंगे तो वो जमीन का खतियान उनके नाम पर बन करके चला जाएगा, या फिर वो जमीन आपका अनावाद बिहार सरकार के नाम से खतियान बन करके अंचलाधिकारी गोरैया कोठी के पास चला जाएगा। अब वो कब होगा, जब आप कागज हर एक प्लॉट का आप दे नहीं पाते हैं, हम लोग बोले कि 2 को नंबर इसमें डालिएगा, जब आपका जब कागज का मिलान होगा तो आपको फोन जाएगा, अब उस टाइम में भी आप नहीं आइएगा, तो जितना कागज आपका अवेलेबल रहेगा, जितना कागज आपका सही रहेगा उतना का आपका ऑर्डर हो जाएगा, उतना खतियान आपको मिलना है परपत्र साथ। अब एगो तो बोल दिया आपका जमीन हो सकता है बिहार से कर हो जाए कागज के अभाव में, या हो सकता है दूसरे के नाम पर चला जाए। एक चीज और समस्या आएगा कि आपका 10 डिसमिल का कागज आपका दस्तावेज है, आपको हो सकता है खानापुरी पर्चा जो देंगे हम 8.5 डिसमिल का देंगे, 8.6 का देंगे, 8.9 का देंगे, या 9 डिसमिल का दिए, तब आपको फिर आपत्ति करनी है परपत्र 8 में। टोटल 3 बार आपको मौका मिलेगा कि कागज में आपका जो खतियान में जो समस्या है उसको आप सुधार पाइएगा। 3 बार आपको 7 देंगे उसमें कोई समस्या आपको समझ में आएगा, 8 में आपत्ति करिएगा तब भी आपसे हम कागज ही खोजेंगे। मानकर चलिए आपका 2 प्लॉट का आपका खतियान नहीं बना, या 3 प्लॉट का नहीं बना, 4 प्लॉट का नहीं बना, या फिर रकबा गड़बड़ा गया कि रकबा आपका जो कागज में है जो आपका खतियान में उससे कम आपको दिए, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग का रकबा बढ़ करके आएगा। आप समझिए कि रकबा गड़बड़ा कैसे रहा, और जो रकबा आपको जो देंगे हम अभी तो आपको हम ये नहीं बताएगा आपके अमीन साहब आपके प्लॉट पर जाएंगे तो आपका प्लॉट नापेंगे, ये तो हम नहीं बताए, ये हम बोलेगा आपका नाम, आपके पिता का नाम सब चीज नोट करेंगे, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। एक चीज समझिए, ये जो सर्वे आपका हो रहा है वो हवाई सर्वेक्षण आपका है, तो जब हवाई जहाज के द्वारा हरेक प्लॉट का फोटो लिया गया है तो हमको नक्शा के साथ साथ हरेक प्लॉट का एरिया स्टेटमेंट भी दिया गया है, ये प्लॉट इतना डिसमिल का है। अभी आपका जो उद्घोषणा आपका जो हुआ है उसमें ये बोला गया घरे के रैयत को अपने कागज के अनुसार आरी मेर सही कर लीजिए, जो लोग बाहर में होंगे आज से 50 साल से हो सकता है उनका आरी स्थल पर खत्म हो गया होगा, तो चूंकि हवाई सर्वेक्षण हुआ है आपका आरी नहीं दिखेगा तो हो सकता है 3-4 प्लॉट को मिला करके आपका एक प्लॉट बन जाएगा, या हो ये समस्या कहाँ आएगा जहाँ पर आपका जंगल झाड़ है या फिर जहाँ पर आप मतलब पेड़ पौधा लगा दिए बागवानी कर लिए वहाँ हो सकता है आपका एक प्लॉट बन करके आ जाएगा। तो जब अमीन साहब आएंगे हर एक प्लॉट पर वहाँ अपने खुद से उपस्थित रह करके अपना दखल नोट करवाना है, अगर आपका नक्शा नहीं सही बना हुआ होगा तो अपना नक्शा भी वहाँ पर आप सही बनवाइएगा,
ये भी कुछ लोगों को मालूम होगा कि हम 10 साल 15 साल से खेती नहीं कर रहे हैं और हर एक साल आदमी धान लगाता है, दोनों तरफ से आरी छटता है, 100 साल से आरी छटा रहा है, समझिए आपका खेत कहां से कहां पहुंच गया। ऐसे भी आप अमीन साहब को आप नापने के लिए लाते हैं तो कोई बताएंगे उत्तर निकल गया, कोई बताएंगे दक्षिण निकल गया। अगर आप खेत पर रहिएगा आपको मालूम चलेगा कि मेरा जमीन ये कागज के अनुसार से कम है। जो अमीन साहब जाएंगे वहां पर आप नक्शा भी सुधरवा सकते हैं उनसे। और एक चीज और, अगर आप खेत पर नहीं रहिएगा तो हो सकता है बगल का आपका आदमी हो सकता है आपके जमीन पर अपना भी दखल लिखवाने का कोशिश करेगा, तो उसमें फिर आपको दिक्कत होगा। अमीन साहब उस खेत पर आ गए, दखल लोड कर लिए, आगे बढ़ गया, फिर आप ये सब वापस चलिए, तब मुश्किल आएगा। फिर आपको अमीन साहब से फिर रिक्वेस्ट करना होगा कि सर वापस चलिए, वहां पर हमको दखल दिखवा दीजिए किसका नोट है। या फिर मान लीजिए आपको पता चल गया कि नहीं मेरा नाम, अब एक चीज समझिए किसी का 5 पार्टनर है, हो सकता है उसमें एक दो पार्टनर ज्यादा होशियार होगा जो चाहेगा कि, या फिर हो सकता है उसमें 2 पार्टनर बाहर रह रहे हों, उनके मन में आ सकता है कि वो बाहर में है, उनको पता नहीं है सर्वे के बारे में, उनका भी जमीन हम खुद ही चरवा ले, ये हो सकता है। तो आपको जागरूक रहना है, प्लॉट पर रहिए, या फिर आपका अलग दखल कब्जा है तो अपना फॉर्म आप भर करके जमा करिए। कोई समस्या है अमीन साहब से मिलिए, उनसे समाधान नहीं हो पाता हमसे मिलिए, हमसे नहीं होगा तो फिर सर से मिलिए। एक चीज समझिए, जितना अच्छा आप कागज जमा करिएगा, जितना प्लॉट का मैक्सिमम प्लॉट का कागज दीजिएगा, उतना अच्छा प्रपत्र साथ उतना अच्छा खतियान आपको बन करके मिलेगा। अब 3 बार आपको जो हम बोले 7 प्रपत्र साथ आपको दिए, 8 में आपत्ति करिएगा, 8 के बाद उसका सुनवाई होगा। हो सकता आप 4 प्लॉट में आपत्ति किए, आपका 2 प्लॉट सुधर गया, 2 प्लॉट कागज के अभाव में आपका यथावत रह गया, तो फिर प्रपत्र 12 फिर हम लोग चिपकाएंगे आपके मौजा में, चिपकाएंगे हम लोग ऑफिस में अपना, चिपकाएंगे पंचायत सरकार भवन हरपुर और साथ में अंचल में चिपकाएंगे, जहां आपको सुविधाजनक होगा वहां जाकर के देखिएगा। और जो हम लोग जो कर रहे हैं अभी, हम लोग बोले डिजिटल सर्वे है, प्रपत्र 7 जो आपको हम हाथ में देंगे वो इस पर भी अपलोड रहेगा, पूरा मौजा का नक्शा आपको इस पर अपलोड रहेगा। कोई भी प्लॉट पर टच करिएगा आपको दिख जाएगा कि वो प्लॉट किसके नाम से सर्वे हुआ है, आपको दूसरे आदमी के पास जा करके रिक्वेस्ट करने का, बाबू भैया करने का जरूरत नहीं है। अगर आप फोन चलाना ऐसा जान रहे हैं आपको किसी से कोई मतलब नहीं, फोन खोलिए, वेबसाइट बता देंगे, उस पर आपके मौजे का नक्शा आपको अवेलेबल रहेगा। कोई भी प्लॉट पर टच करिए आपको नाम दिख जाएगा इसके नाम से सर्वे हुआ। आपको बोले कि हम प्रपत्र 7 दिए, तो प्रपत्र 7 मान के चले आपके पास 15 प्लॉट है, आपको 13 प्लॉट का हम प्रपत्र 7 दिए, आपको एक भी प्लॉट टच करिएगा आपको 13 प्लॉट का आपका कलर चेंज हो जाएगा। मतलब क्या कि आपके नाम से इस मौजा में 13 प्लॉट का सर्वे हुआ, आपके पास है 20 प्लॉट, 13 प्लॉट का कलर चेंज हो गया, या फिर 13 प्लॉट आपके हाथ में दिए, तो मान के चलिए आपके पास 7 प्लॉट का आपका खतियान नहीं हो रहा, तो आप प्रपत्र 8 में आपत्ति किए, उसमें मान के चलिए 5 प्लॉट का आपका खतियान बन गया, 2 प्लॉट कागज के अभाव में आपका नहीं बना, यथावत वैसे ही रह गया, या तो बिहार सरकार या फिर किसी दूसरे आदमी के नाम पर बनेगा। दूसरे आदमी के नाम पर तब बनेगा जब उस खाता का वंशज जिंदा है, तो उन लोगों के नाम पर बनकर चल जाएगा। अगर हो सकता है आप जिस खाता का जमीन जोत रहे हैं उस खाता के वंशज नहीं मिलेंगे, उनका वंशावली हम लोग नहीं बना पाएंगे, उसी कंडीशन में आपका जमीन बिहार सरकार हो सकता है। तो आपत्ति करिएगा, उसमें आपका सुधार हो गया, प्रपत्र 12 चिपका दिए, उसमें भी अगर आपको कोई समस्या आएगा तो फिर प्रपत्र 14 में आपत्ति करिएगा, 14 में भी अगर आपका समाधान नहीं हुआ तो 2 बार आपको मौका हम लोग ऑफिस लेवल पर देंगे सुधार करवाने का कागज में, प्रपत्र 8 और प्रपत्र 14। उसके बाद भी हो सकता है कुछ लोग बाहर में रह रहे होंगे या फिर जिनको सर्वे में इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि हाँ ये सब तो ऐसे खेला हो रहा है, सरकार ऐसे ही परेशान करते रहता है, अगर बाद में वो जागेंगे तो प्रपत्र 21 में जाकर के बंदोबस्त कार्यालय सिवान में आपत्ति करेंगे। तो यहाँ तो आपका एक अंचल का हम लोग सर्वे कर रहे हैं, बंदोबस्त कार्यालय सिवान में आपका जो आपत्ति गिरेगा पूरा जिला का गिरेगा, तो ये चीज समझ लीजिए, यहाँ पर कम दूर है यहाँ पर काम आसानी से होगा, बंदोबस्त कार्यालय सिवान जब आपको जाना होगा तो आपको तकलीफ महसूस होगा। तो कोशिश ये करना है कि अगर कोई भी, पहला चीज तो ये कि अपना सब कागज दे दीजिए, आपका सब खतियान सही से मिल जाएगा, हो सकता है उसमें रकबा समस्या होगा, आपत्ति करिएगा, ऑर्डर करेंगे अमीन साहब जाएंगे, और चूंकि जमीन आपका स्थल पर ही है, अगर आपका घट रहा है तो आपके बगल वाला का जमीन बढ़ेगा, अमीन साहब आएंगे चेक करेंगे, नाप करके आपका जमीन का नक्शा सुधार देंगे, आपका खतियान सही बन जाएगा। 3 बार में भी अगर कुछ लोग नहीं सुधार पाएंगे तब फिर आगे कोर्ट का रास्ता देखेंगे, यहाँ से लेकर के आपका पटना और दिल्ली तक भी हो जाएंगे। एक चीज समझिए, जो बोले 25 जिले में आपका रिविजनल स्टार्ट हुआ था, जिनका जमीन कैडस्ट्रल सर्वे आपका जो 1905 वाला था उसमें 12 डिसमिल था, रिविजनल में उसका 10 डिसमिल का खतियान बन गया, उसका आज तक 10 से पुनः वापस 12 नहीं हो पाया, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत लेंदी है, सर्वे में आपका आसानी से हो जाएगा, कोर्ट वाला प्रोसेस आपका कठिन है।
तीन पोस्ट चार पोस्ट आदमी केस लड़ता है, जिसका जमीन बिहार सरकार हो गया वापस उनके नाम पर, अभी तक खतियान बन नहीं पाया। तो कोशिश ये करना है कि सब लोग अच्छे से कागज जमा करिए, आपका खतियान हम लोग बनाएंगे। अभी हम लोग अपना पेट्रोल खर्चा करके आपके गांव में दिखेंगे। तो प्रपत्र सात जब आपको हम दे देंगे, उसके बाद फिर आपको अगर कोई समस्या नजर में आएगा तो खुद हमको आकर के हम लोग के ऑफिस में आकर के जमा करना होगा। ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप लोग अमीन साहब से ले लीजिएगा, उनके फोन नंबर पर उनको मैसेज करिए, आपको पीडीएफ दे देंगे। या फिर आज के बाद से आपको साइबर कैफे में भी ये फोटोकॉपी ये आपको मिलने लगेगा, फॉर्म फोटोकॉपी के दुकान में, या फिर पंचायत सरकार भवन ऑफिस, हम लोग का जो ऑफिस है वहाँ आइएगा, ये आपको मिल जाएगा। ये कोशिश करना है, अच्छे से कागज दीजिए ताकि आपका जमीन का कागज आपको हम लोग दे पाए। अब कुछ लोग पास हो सकता है समस्या होगी, सर मेरे पास दस्तावेज है, रसीद नहीं कट रहा है, या फिर रसीद कट रहा है उसमें खाता खेसरा जीरो है, या हो सकता है कि सर मेरे पास रसीदे नहीं है, या फिर हो सकता है कि सर मेरे पास 10 प्लॉट है, 2 प्लॉट का हमको कुछ पता नहीं चल रहा कैसे हम जोत रहे हैं, ना हमको गार्जियन बताया ना हम कोशिश कर रहे हैं, हमको मिल नहीं पा रहा। दो ही कंडीशन आपका होगा, आपके पास दूसरे खाता का जमीन होगा, आपके पास कागज नहीं है। हो सकता है आपका वो जमीन मौखिक बदलन हुआ किसी से कि मेरे पास ये जमीन है, तुम्हारा वहां पर है, हमको नजदीक यहाँ पर अपना वाला जमीन दे दो, अब मेरा वाला तुम जोत लो। तो आप अगर सौभाग्यशाली होंगे तो आपको गार्जियन बता करके जाएंगे कि फलनवा से तुम्हारा बदलन है, इस आदमी से तुम्हारा बदलन है। अगर आप अभी आप सर्वे में कागज नहीं दीजिएगा, अगर मेरे पास आइएगा, हम लोग पास, हम लोग आपका सहायता करेंगे, बता भी देंगे कि आपका जमीन जो है, आप इस आदमी का आप जमीन आप जोत रहे हैं, आप उनसे जाकर के पता कर लीजिए आपका जमीन कहीं बदलन तो नहीं। अगर मौखिक बदलन रहेगा तो आप अपना अपना वापस जमीन पर चल जाइए, आपका खदान आपके नाम से बन जाएगा। एक और बदलन आपका होता है रजिस्ट्री वाला, कि हम तुमको लिख देते हैं, तुम हमको लिख दे, उसमें तो फिर कोई समस्या नहीं। तो जहां कागज नहीं रहेगा वहां कोशिश करना है कि आकर के हम लोगों से हेल्प लीजिए। पहला काम अभी आप लोग का ये है कि अभी आपके पास जितना कागज अवेलेबल है उसको आप भरिए और जमा कर दीजिए, और बाद में फिर आपके पास जो कागज नहीं रहेगा वो आप उसको ढूंढिए, नहीं मिलता फिर हम लोग से संपर्क करिए, जहां तक हम लोग का होगा हम लोग आपका हेल्प करेंगे। किन्हीं के पास हो सकता है उनको जवानी का पता ही नहीं होगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग के पास भी कुछ कागज अवेलेबल है, हम लोग कोशिश करेंगे आपका हेल्प करने का। ये समझिए कि जितना अच्छा आप कागज जितना सब प्लॉट का दीजिए उतना अच्छा खतियान आपका बनेगा। अगर नहीं बन पाता कोई कारण से तो आपको तीन बार भी मौका मिला है, तीन बार में सुधरवा लीजिए। अगर नहीं सुधरिएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी या फिर आप खुद ही उस जमीन को जब बेचने के लिए जाएंगे तो बिहार सरकार बताएगा बिकेगा नहीं जमीन, या फिर दूसरे आदमी के नाम पर बताएगा तब भी आपका जमीन नहीं बिकेगा, या फिर जमीन आपका रोड पर जमीन है 10 डिसमिल, आपको एलपीएम या फिर खतियान आपका 8 डिसमिल का बन गया, तभी रोड पर का एक डिसमिल का भी वैल्यू है। तो कोशिश ये करना है कि अगर कोई समस्या आपको समझ में आता है प्रपत्र साथ में या आगे जाकर के उसको सुधरवाइए आपत्ति देकर। बाकी और जो कुछ जानकारी हमारे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सह पूरे हम लोग का ऑफिस का जो हेड है वो आपको समझाएंगे। सर को सुनिए, उसके बाद कोई समस्या होगा सबको बताएं। मैं ऋषभ कुमार शिविर प्रभारी सौ सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी गोरिया कोटी, आप तमाम सभी आमजनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग यहां पे आए और हम लोग पूरे सर्वे की टीम को अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सुन रहे हैं। तो मैं इनके लिए पुनः एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा योजना है, जिसके कारण हम सभी सर्वे के जितने भी टीम यहां पे सभी पूरे बिहार में ये हो रहा है, और जिनमें आप तमाम आमजनों का भागीदारी और सहायता मिले उनकी हम लोग पूरी उम्मीद करेंगे। यहाँ के आप लोग अस्थाई निवासी हैं, हम लोग जितने भी सर्वे की टीम है वो सब बाहर से आए हैं, आप लोग उनको मदद पहुंचाइए, और जिनका जिनकी पूरी सूचना नहीं है वो सब सूचना आप लोग दिलवाइए, ताकि हम लोग काम जो है सिस्टमेटिक वे में सुचारू रूप से कर पाए। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आप लोगों को, आपके अंचल कार्यालय के बगल में ही हरपुर पंचायत सरकार भवन को चिन्हित किया गया है ऑफिस कार्यालय के लिए, जो कि अगले सप्ताह से सुचारू रूप से वो चलेगा। अभी हम लोग सभी जगह सभी पंचायत में ग्राम सभा कर रहे हैं, और जिसमें कि अभी तक हम लोग काफी ग्राम सभा कर चुके हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी हमारा ये हमारे जितने भी सर्वे की टीम है सबका अनुरोध रहेगा कि आप लोग जिन जिन को पता नहीं चला है या जिनके कानों तक ये खबर नहीं गया है
आप लोग उनको खबर पहुंचाए जो यहाँ सर्वे का काम स्टार्ट होने वाला है और कुछ ही दिनों में यहाँ पे सारा चीज आप लोगों को मिलेगा। आप लोग जितने भी यहाँ पे आमजनों आए हुए हैं, जो नहीं आए हैं उनको भी आप लोग खबर ये पहुंचा दीजिएगा। और हम लोग का जो शिविर कार्यालय हरपुर पंचायत सरकार भवन है, वहाँ पे आप लोग आइएगा। जो भी समस्या आप लोगों का होगा, जो भी आप लोगों का कागजात से समस्या है या जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, आप लोग वहाँ आइएगा। और अपने अपने संबंधित अमीन का आप लोग नंबर रखिएगा, चाहे आप लोग आपके जनप्रतिनिधि के पास हर अमीन का नंबर रहेगा, हर मोजे के अमीन का नंबर रहेगा, उनसे आप संपर्क करके आप लोग क्या नाम है उनसे जानकारी ले सकते हैं। और जो भी जहाँ तक मदद होगा हम लोग उसमें पूरा करेंगे। और आप लोगों का जो हम लोगों को सहायता मिलेगा इसकी हम लोग पूरी उम्मीद करेंगे। जो आप लोग जहाँ हम लोग बाहर से आए हुए हैं तो हम लोग को क्या नाम है पूरी सहायता का हम लोग उम्मीद करेंगे। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, इस चीज का उद्देश्य क्या है, ये जो सर्वे का काम हो रहा है इनका क्या उद्देश्य है, मैं एक चीज इसका छोटा सा एक झलक देना चाहता हूँ। ये आज के डेट में आपके तमाम जितने भी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो सब बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाहे बहुत दिनों से बाहर रह गए हैं, और आने वाले समय में आपके जनरेशन आपके पीढ़ी जो है उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सारा चीज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, एक कंप्यूटर में फिट हो जाएगा और वो सब चीज कहीं भी रहने के, वो दुनिया के किसी भी कोने से एक मात्र कंप्यूटर में खोलने से, नेट पे खोलने से उनका सारा चीज दिख जाएगा। जो आपका लोकेशन कितना कहाँ पे है, आपका रकबा कितना है, आप कौन सा जमीन का आपका लगान कट रहा है या नहीं कट रहा है, सारा चीज एक ऑनलाइन आ जाएगा, ताकि आने वाले समय में आपके पीढ़ी को किसी भी तरह के मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। सीओ कार्यालय या राजस्व कर्मचारी या इधर उधर जिला कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़े, ये हम लोगों का कोशिश है। और आप लोग जितने अच्छे तरीके से हम लोगों का कोऑपरेट कीजिएगा, कागज दीजिएगा, हम लोग अच्छे तरीके से उनका ये खतियान बनाएंगे। जैसा कि हमारे अमीन कानूनगो सर बोले, जो इस तरह के हम लोग आप लोग को बना के देंगे, आपके मोजा में आपके अमीन आएंगे, सब चीज वो देखेंगे। उनसे अगर कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो हमारे कानूनगो है वो करेंगे, उनसे भी नहीं हो पाता है तो हम पूरे शिविर के प्रभारी हैं, हमसे भी आके लोग मिले, हम लोग भी क्या नाम वहीं पे बैठेंगे शिविर कार्यालय में, आप लोगों सबको जो भी है वो सारी जानकारी दी जाएगी। अब जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं क्या, और कोई भी अधिक जानकारी, अभी हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं, अभी इसके बाद तुरंत जामा पंचायत में ग्राम सभा है, तो आप लोग शिविर कार्यालय आइएगा तो विशेष जानकारी वहां पे हम लोग दे पाएंगे। और अभी जो भी है आप दो सवाल पूछ के हम लोग को बताइए।